फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग बड़ी परेशानी में थे। फेसबुक की हालत बहुत खराब थी और कंपनी है ना बिकने के कगार पर थी। लेकिन ये फैसला लेने से पहले मार्क अपने मेंटोर और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से मिलने पहुंचे। स्टीव जॉब्स ने मार्क को भारत में बसे एक मंदिर जाने की सलाह दी। एप्पल के स्ट्रगल के दिनों में स्टीव जॉब्स खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए पहुंचे थे। ये मंदिर है ना उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित है, कैची धाम यानी श्री नीम करोली बाबा आश्रम। यहाँ उन्हें एक ऐसी एनर्जी फील हुई जिसने मार्क को उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए और वो इंस्पिरेशन मिली जिसके कारण आज फेसबुक अपनी ऊंचाइयों पर है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। हाल ही में एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और मूवी के सक्सेसफुल होने पर वह अपने बाल भी दान किए। सदियों से है ना भारत के मंदिरों की अनोखी शक्तियां दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते आई है। ऐसे भव्य मंदिर जाके अनसुने चमत्कारों के सामने बड़े से बड़ा इंसान भी अपना सर झुका देता है। कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल, अजय देवगन, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर कर्नाटक की दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में बसे। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ शिव जी के बेटे भगवान कार्तिकेय को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और यहाँ दो खास तरह की पूजा की जाती है, अश्लेषा बलि और सर्प संस्कार। ये दोनों ही रिचुअल्स सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए जाते हैं। अगर आपसे इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में किसी सांप की मृत्यु हो गई हो तो उससे मिले पाप के कारण आपके जीवन में कई तरह की बाधाएं आ सकती है। और कुक्के सुब्रमण्य मंदिर इतना शक्तिशाली मंदिर है कि यहाँ पूजा करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर यहाँ ऐसा क्या खास है? ऐसा माना जाता है कि एक बार पक्षियों के राजा गरुड़ ने सभी नाग और सांपों को मारने की धमकी दे दी और इसलिए सभी नागों को बचाने के लिए नागों के राजा वासुकी ने यहाँ गुफाओं में कई सालों तक तपस्या की और तब कार्तिकेय ने सुब्रमण्य रूप में वासुकी को दर्शन दिए और सभी नागों की गरुड़ देव से रक्षा की थी। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान सुब्रमण्य काल सर्प दोष से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तीर्थ स्थान में जाने से ही सर्प दोष का असर कम हो जाता है और भगवान सुब्रमण्य की पूजा करने से आप अपने और अपने पूर्वजों का काल सर्प दोष मिटा सकते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे पूजा करवाने आते हैं। कुक्के सुब्रमण्य, यू सी ऑल द बॉलीवुड हीरोइंस गोइंग देयर बिकॉज दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम नागदोष और काल सर्प दोष। साल 2015 में मशहूर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी यहाँ आए और कई रिचुअल्स का हिस्सा बने। उनके अलावा अमित शाह, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विलास राव देशमुख भी यहाँ दर्शन करने आ चुके हैं। पीतांबर पीठ टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जहाँ शक्ति खुद प्रकट हुई थी और जहाँ बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस भी माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित माँ बगुलामुखी की सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति पीठ श्री पीतांबरा पीठ। इस परिसर में अलग अलग भगवानों के मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पूजा होती है 10 महाविद्या में से एक माँ बगुलामुखी। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार दतिया में भयंकर तूफान आया था जिसे शांत करने के लिए इस परिसर में बने हरिद्र सरोवर में से देवी बगुलामुखी खुद प्रकट हुई थी, जिन्हें पीतांबरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतांबरी यानी ऐसी देवी जो पीले वस्त्र धारण करती है। माता बगुलामुखी के अलावा यहाँ काल भैरव, परशुराम, हनुमान जी के साथ और भी कई देवी देवताओं का मंदिर है। लेकिन इस जगह की खासियत है ना सिर्फ यहाँ के देवी देवता ही नहीं है बल्कि यहाँ के आश्रम में लगने वाले गुरुकुल है। यहाँ पर बच्चों को फ्री में संस्कृत पढ़ाया जाता है और ये आश्रम कई सालों से नेशनल लेवल की संस्कृत डिबेट्स भी आयोजित करता है। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद इंसान के जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती है और दुश्मनों की बुरी नजर से भी छुटकारा मिल जाता है। और इसलिए कई पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शंस के पर्पस से और ऑपोजिशन से आने वाले ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए यहाँ आते हैं। साल 2021 में मध्य प्रदेश के इलेक्शन से एक दिन पहले कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी यहाँ आई थी। इनके अलावा बीजेपी के लीडर्स अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के पूजा का
हिस्सा बने। और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यहाँ आते जाते रहते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू में इस आश्रम से जुड़ा अपना एक एक्सपीरियंस बताया। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me I should visit this temple that he had gone to in India. मार्क जब 2015 में यहाँ आए थे, तब वो यहाँ सिर्फ एक दिन रुकने वाले थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें इस जगह से इतना ज्यादा कनेक्शन फील हुआ कि उन्होंने वहाँ एक दिन और रुकने का फैसला किया। नीम करोली बाबा एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी और योगा को डेडिकेट की थी। उनके वृंदावन में बने आश्रम में नीम करोली बाबा का महासमाधि मंदिर है। नीम करोली बाबा हनुमान जी की भी बहुत बड़े भक्त थे और इसलिए उनके आश्रमों में हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। लोग यहाँ अपनी लाइफ की उलझने सुलझाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर ध्यान लगाने से लोग बाबा की आत्मा से जुड़कर अपनी जर्नी के लिए उनका गाइडेंस मांगते हैं। मार्क ज़करबर्ग के अलावा एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा को मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी इस पवित्र धाम में आकर दर्शन किए थे। महाकालेश्वर टेम्पल एक मंदिर जहां भस्म से शिव जी की आरती की जाती है, जहां भक्तों को एक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास होता है जिसे वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बसा शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहां दिन भर ही भक्तों की लंबी कतारें लगी होती है, लेकिन सुबह 4 बजे इस मंदिर का नजारा थोड़ा अलग होता है। ये वो समय है जब इस मंदिर का सबसे खास रिचुअल शुरू होता है, भस्म आरती। इस रिचुअल के दौरान महाकाल ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह विभूति यानी भस्म में ढक दिया जाता है। इस समय पूरा मंदिर पवित्र मंत्रों और वैदिक स्रोतों की ध्वनि से गूंजता है। आरती के बाद यह भस्म भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार वो खुद को भगवान के सामने समर्पित करते हैं। ये भी माना जाता है कि भस्म आरती का ये रिचुअल इतना ज्यादा शक्तिशाली है, सिर्फ इसे देखने भर से ही इंसान कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। लोग दुनिया भर से खास इस आरती का हिस्सा बनने आते हैं। यही कारण है कि कई सेलिब्रिटीज बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ आते हैं और भस्म आरती का भी हिस्सा बनते हैं। पिछले साल मार्च में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी इस मंदिर के रिचुअल्स में शामिल हुए और शादी के बाद केएल राहुल भी आत्या शेट्टी के साथ यह आशीर्वाद लेने आए थे। इनके अलावा अक्षय कुमार, शिखर धवन और कई बड़े सेलिब्रिटीज अक्सर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। देवरी टेम्पल, झारखंड की कैपिटल सिटी रांची में स्थापित प्राचीन मंदिर देवरी मंदिर यानी माँ देवरी टेम्पल। माँ काली को समर्पित इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ स्थापित मूर्ति, जिसके बाकी मूर्तियों की तरह 4 या 8 हाथ नहीं बल्कि 16 हाथ है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये मूर्ति लगभग 700 साल पुरानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 1300 में इस मंदिर को केरा नाम के एक आदिवासी राजा ने एक युद्ध को हार जाने के बाद बनाया था और इस मंदिर की स्थापना होने के बाद उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोका ने कलिंगा की लड़ाई के समय करवाया था। इस मंदिर में कई अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, लेकिन जहाँ बाकी मंदिरों में ब्राह्मण के द्वारा पूजा और रिचुअल्स किया जाता है, यहाँ माँ काली की सेवा 6 आदिवासी पंडित करते हैं जिन्हें यहाँ पहन के नाम से जाना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ माँ काली के दर्शन करने आते हैं, खासकर होली के समय जो द्योरी मंदिर में धूमधाम से मनाई जाती है। साल 2004 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले महेंद्र सिंह धोनी भी अपने होम टाउन में बसे इस मंदिर में पहुंचे थे और माँ काली का आशीर्वाद लिया था। तो ये थे कुछ ऐसे मंदिर जिनके शक्ति के आगे सभी अपना माथा टेकते हैं। इन मंदिरों के अलावा तिरुपति बालाजी, सबरीमला मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, जगन्नाथपुरी जैसे और भी कई मशहूर मंदिर हैं, जहाँ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस समय समय पर दर्शन करने पहुँचते हैं और अलग अलग रिचुअल्स का भी हिस्सा बनते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे मंदिर गया है?
अगर गए हो तो बताइए आपके एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट बॉक्स में, और ऐसी अनसुनी अनदेखी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए राज चैनल को।